2 दिन पहला 3 दिन पहला मैं दीप सिद्धू भाई नूं मिल के आया सीगा तिहाड़ जेल विच। ते कल परसों मैं कुछ पोस्टां देखदा पिया सी जिथे कोई दीप भाई नाल कुटमार दी गल हो रही सी कि उत्थे कुटमार हुई है एजेंसियां वल्लों या उन्हूं 7 साल दी कैद हो गई है या कोई कुछ बोलदा ही। ते फिर मैनूं लग्या कि लाइव आना चाहीदा। सब तो पहला तां इस दीप भाई दे केस दी जिहड़ी सारी देख रेख हैगी है वह मनदीप सिंह सिद्धू भाजी कर रहे हैं, जो दीप भाई के छोटे भरा ने, खुद वो एडवोकेट भी ने, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो सारा फर्स्ट हैंड वो देखते पे ने। तो कुछ भी तुहानू जिहड़ी गल होवे दीप भाई दे बारे च या केस दे बारे च, मेरे ख्याल नाल मनदीप भाजी खुद बहुत सोशल मीडिया उत्ते एक्टिव नहीं हैगे, बहुत थोड़े शाई किस्म इंट्रोवर्ट टाइप के है, चिणक उदा ही है, गुस्सा उदा ही है दीप भाई वर्गा, मनदीप भाई का भी, लेकिन सोशल मीडिया से थोड़ा घट एक्टिव होंगे है। हरप्रीत सिंह देवगन भाजी शंभू मोर्चा पेज इतों तुसी सही जड़ी जानकारी हैगी है दीप भाई दे केस की, वो तुम्हें मिल सकती है। उदोखे भाजी भी जो मनदीप भाई दे नाल टच विच रहिंदे आ, ते वो भी जिहड़ा लिखते आ वो गल करन तो बाद लिखते आ, मतलब हवा च नहीं लिखते, ते कोई भी गल है वो तुहानू हरप्रीत सिंह देवगन भाजी उदोखे साहब या मनदीप भाजी तो तुहानू पता लगे तो उही गल एक्चुअल च हैगी है। ते मेरी जदों गल हुई मैं उस गल ते आना, साडा जदों शंभू मोर्चा जदों भी आपां पहले दिन तो ही किसी ने भी नैगेटिव गल नहीं की, खासकर दीप भाई के उत्ते इन्ने ज़्यादा लोगों ने नैगेटिव बोलिया भी बकवास की, तां भी उन्हें मतलब वो आदत सी उन्हें हस के टाल देना होंदा कि कोई गल नहीं बोलन दो यार। किसान आगुआं बारे भी उन्हें कभी नैगेटिव नहीं बोलिया, उन्हें हमेशा ही बोलता कि मैं सिर्फ इस करके हाँ कि मैं कोई इस अंदोलन नूं वेच ना दे, नकेल पान नूं आए किस्म का, ते उही उसका काम सीगा, उही करता रहा, उही अज भी कर रहा। ते नैगेटिव अज भी मैं कोशिश करांगा कि नैगेटिव ना कुछ मेरे मुँह निकले, बट कई बार सच दसना भी जरूरी हो जाता, ते मैं फिर भी कोशिश करांगा कि मेरे मुँह एहो जी कोई गल ना निकले जिहड़ी किसी नूं ना चंगी लगे। जदों अहीं किसी दे नैगेटिव बोलते हाँ जां किसी दे भी बारे तां असीं मुद्दे तों हट जांदे हां, सरकार ने आही किया हुणे भी, जिहड़ा 26 जनवरी नूं होया उन्होंने मुद्दे तों भटका दिता, यूथ नूं उत्थों हटाना सीगा, दीप भाई हटे वजह जिदा भी जो भी प्रोसैस होया, लखा भाई उत्थों हटे, इन्हां दी वजह नाल पूरा यूथ जिहड़ा उत्थों दी किसान मोर्चे तों हट गया, सोशल मीडिया तों बहुत फर्क पै गया, बट कोई फर्क कोई कोई घबराने वाली गल नहीं, दोनों शेर जिहड़े हैगे आ ये वापस होणगे जल्दी वापस उस ते, ये दोनों का काम जिहड़ा कोई किसान अंदोलन नूं वेचे ना, ये अजे भी पूरी डट के अपना पहरा दे रहे ने। ते मेरी जदों मुलाकात हुई तां काफ़ी देर करीब 45 मिनट असी गलबात करते रहे, ते मैं जिदा जाते ही मजाक च भाजी ने पूछा, मैं क्या भाजी दिल लग गया, तो हसन लग गए जोर जोर दी, कहिंदे यार मैं जेल च हैगा, ते मैं वो तां वी दिल लग गया नहीं लग्या, कहिंदे दिल लग गया, वधिया लोग ने कोई इन्हां दे जिहड़ा इन्हां दे 7 नंबर च ने, ते 7 नंबर विच साफ सुथरे लोग जिहड़े हुंदे आ उहनां नूं रख्या जांदा, कोई मिनिस्टर है आसाम का शायद बंगाल का, कहिंदे कोई मिनिस्टर है वो पंजाबी हैगा भावें बंगाल का, बट उहदे नाल दिल लग्या रहिंदा, कुछ IPS ऑफिसर ने, कोई IAS ऑफिसरस ने, और चंडीगढ़ एक कंपनी होंदी सी कि पर्ल, उहनां दे मेन जिहड़े ने वो भी उत्थे ही ने, उहनां दे नाल ही हुंदे, कहिंदे फिर मैं काफ़ी पढ़ता रहना लिखता रहना, काफ़ी मजाक च भी गल्लां हुंदियां रहियां। और एक चीज़ मैं शॉर्ट विच ये दस देवां कि बाई का दबका जिहड़ा है वह भी उत्थे ही उन्ना ही है, बाई पूरे चढ़ती कला च है, किसी भी तरह का ढहंदी कला नहीं हैगी, उदासी नहीं हैगी, उदासी किसी होर गल ते है, अदरवाइज उन्हों कोई बब्बर शेर की तरह ही है, वो चढ़ती कला च है, और दबका भी पूरा ही है,
इस गल नूं मैं ये बोलिया कि शॉर्ट विच मैं बोलांगा, एक ही लाइन दे विच बोलांगा कि दबका पूरा है। हुण एक किद्दां है मैं नहीं बोल सकदा, मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जानी कैमरे ते अगर मैं बोलिया कि मैं की उत्थे किद्दां किद्दां दबके वाली गल, मैं तुसी समझ जाओ। ये सारिया गल्लां होण तों बाद फिर सीरियस गल्लां भी होईयां तां कहिंदे भाजी मज़ा नहीं आया। जिदां पंजाबियां ने जिन्ना कुछ 26, 27, 28, 29, 30, 31 जो भी सीगा स्टेजां तों बोल दिता, उत्थे उदास हो गए। अब मैं स्टेटस पाया कि यार वो बंदा क्यों है, दीप सिद्धू भाई जेल च क्यों है, उन्हें कुटमार की है, उन्होंने मर्डर किया, उन्हें रेप किया, उन्हें 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 डकैती मारी है, ये उन्हें पूछा ही मैनू। कहना भाजी मैं क्यों है यार जेल में, कि मेरा ये लैवल है, कि ये मेरा स्टैंडर्ड है। हिंदुस्तान दिया टॉप दिया एजेंसियां क्राइम ब्रांच रॉ एहो जी एजेंसियां मैं झेल रहा, जेल च बैठा हुआ, देश का प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर उसनू डायरैक्ट रिपोर्टिंग होंगी इस केस की, तो पंजाब कहते यार मैं जेल च क्यों आ, मैं डाका मारिया, मैं किसी कुड़ी नू छेड़िया, मैं मर्डर किया, मैं की किया, मैं क्यों आ। इसका जवाब जिहड़ा सी मेरे कोल नहीं सीगा। तू ही सोचे यार, परचे तो होर कई भी होए हुए, पर लब पुलिस सिर्फ लखेवाई नू रही है, बाकी तो हवाई जहाजा च भी घूम रहे ने, उन्होंने भी परचे है, उन्होंने कोई फड़दा नहीं। क्यों नहीं फड़दा भी, जिन्हों वो सरकार का बीजेपी का बंदा दसते सीगे वो जेल च है। दीप भाई ने किसान आगुआ नू पहला भी कदी गलत नहीं बोलिया, पर किसान आगू हमेशा ये कहते रहे कि भाई सानू 40 साल का एक्सपीरियंस है। जब मुंडे फड़े गए तो उन्हों का यह जवाब सेगा कि सरकार जाने ते वो जानन, कोई ना। तू ही सोचियो कल नू देश नू कौम नू जे लोड़ पई तो की पहला लोग की हिसाब ला लन। पंजाब दे बहुत वड्डे पत्रकार ने, मैं नाम नहीं लवांगा उन्हां दा, क्राइम ब्रांच कई कई दिन कई कई घंटे बैठे रहे, और एक दिन मैनू कहंदे कहंदे भाजी मैं ना डरदा ही नहीं सी सवाल करन लगे। पूरे किसानी संघर्ष विच उस बंदे दा बहुत वड्डा योगदान है, कहंदा मैं डरदा ही नहीं सी। लेकिन कहंदा जद इत्थे मैनू आना पिया तो मेरे पिछे कौन है, एक बंदा भी नहीं। एक बंदा भी नहीं, और किसान आगू कहंदे ने कि सरकार जाने ते वो जानन। मैं माफी मांगते हुए एक गल कहांगा, मैं नैगेटिव नहीं बोलता, पर मैं एक एग्जाम्पल दिना वा 40 साल का एक्सपीरियंस। जे 40 साल का एक्सपीरियंस है खटिया की, जो उन्हें 40 साल के एक्सपीरियंस के विचों अहीं कुछ खटिया हुंदा तां अज ये मोर्चा लाने की लोड़ ही ना पैंदी। जे 10वीं क्लास चो मैं माफी चाहते हुए ये एग्जाम्पल देन लग्या, जे 10वीं क्लास च कोई बंदा 10 बारी फेल होया होवे तां उह नवीं क्लास जिहड़ी आउंदी आ उहनां वास्ते सीनियर नहीं हो जांदा, या उहनां वास्ते सियाणा नहीं हो जांदा। हाँ, उहनूं कॉलेज दी मैनेजमेंट बारे ज़्यादा पता होएगा कि पहला ये मैनेजर हुंदा सीगा, फिर उसके बाद ये प्रिंसीपल हुंदा सी, इहो जिही जानकारी हो सकदा उहनूं ज़्यादा होवे, लेकिन पढ़ाई विच उसकी जानकारी नहीं है। हुंदी तां उह 10वीं च नहीं बैठा हुंदा, 10 साल पहला ही पास हो गया हुंदा।
दसवीं च अज जे नौवीं के नवे पास होकर आए ना वो ज़्यादा सियाने ने, वो पास हो के निकल जाएंगे, ग्यारहवीं च आ जाएंगे, दसवीं वाले फिर दसवीं च रह जाएंगे, लेकिन दसवीं वाले ये बोलते पे ने या ये दर्शाते पे ने कि सानू ज़्यादा पता है। इस एग्जाम्पल नैगेटिव तरीके च ना लियो, पॉजिटिव तरीके च लियो, लेकिन है सच, वजना गिट्टिया च है सच, लगना बुरा है सच। मैं पहला क्या ही अही नैगेटिव बोलना नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि ध्यान हटता हूँ तो ध्यान हटिया ही होया, सच बोलना भी जरूरी हो जाता। यार मुंडे जेलां च आ गए, पिछे कोई नहीं आया, गुरुद्वारा कमेटी उन्होंने वास्ते लड़ती रही, मोर्चे वाले का फर्ज नहीं बनया। नवरीत दे मूंह ते गोली मार दिती गई, इकलौता बच्चा, नवा व्याह होया उहदा, आस्ट्रेलिया की जिंदगी छड़ के आ गया, और उसके फैमिली नूं सुनना की पिया होना कि वो जाने ते सरकार जाने ते वो जानन। नवरीत वर्गियां दे लई ही पैर दी धूल भी नहीं उन्हां दे सदके, वो जग्गी जिहड़ा जकारे ला गया सिर फटन दे बाद भी, उहदे सदके योधे होर आंदे रहणगे। दीप सिद्धू दे पुछण ते यार मैं क्यों अंदर, मेरे को जवाब नहीं सीगा, सच ये है कि वो साडे करके अंदर है। ये 40 साल दे एक्सपीरियंस जिहड़े सीगे ना, वो 40 साल दा एक्सपीरियंस ना रख के वो दसवीं च 10 बार फेल होया स्टूडेंट अगर ना हुंदा ना, वो नौवीं वाले स्टूडेंट ने डिसीजन लिता हुंदा ते लाल किले ते ही मोर्चा लग गया हुंदा, ते फिर मुंडिया ते परचे नहीं होने सीगे, फिर वो बिल उत्थे ही रद्द हो जाने सी, फिर नवरीत दे गोली नहीं सी बजनी, फिर 28 नू आ गुंडिया ने जो अटैक किया 28 नू या 29 नू जदों भी किया सी सिंघू बॉर्डर ते, आ नहीं होना सी। हुण सारे जाने उहनू कहिंदे सीगे, दीप बाई नू कहिंदे सी कि ये पॉलिटिक्स आएगा पॉलिटिक्स आएगा, ते आप इत्थे आसाम बंगाल घूम रहे ने, आ की करन दे, अपनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही बनाने दे चक्कर ते ने ना। मैं नहीं सोचा सीगा मैं इदां बोलूँगा, बट बोलना सच दसना सच ते डिस्कस करना भी जरूरी है। अहीं तां भी चुप रहे जदों लंडू जे सिंगर कोई लाइव जाके उन्हें दीप बाई दे लई बहुत सारी बकवास कीती, अहीं तां भी नहीं बोले। वक्त आने ते पुछया जाएगा उन्हां नूं भी, उन्होंने लंडुआ सिंगरां नूं भी, दो टके दे सिंगर जिहड़े उस समय शंभू बॉर्डर ते आ के भाजी प्लीज भाजी प्लीज दो मिनट वास्ते बोलण दो भाजी, दीप बाई नाल फोटो करा दो, वो बाद चो बकवास करन लगे फेसबुकां उत्ते ताकि उन्हां नूं सबसक्राइबर मिल जाण, गाणा ते उहदा मैं अज तक कोई सुनिया नहीं। आही उन्हां को आखिरी सहारा सीगा कि इदां बोल लो, किचड़ सुट रहे थे वो किचड़ उपर नूं सुट रहे थे उन्हां दे मूंह ते ही डिग्गिया, दीप भाई नूं तो कोई फर्क पिया नहीं उहदा। अज सच है पूरा, फेसबुक छांट के वेख लो, कोई टावा टावा कोई बेवकूफ होएगा जो दीप भाई दे खिलाफ लिखदा होएगा या लखे भाई दे खिलाफ लिखदा होएगा, कोई बेवकूफ ही होएगा, खोता ही होएगा कोई, और उहनूं भी अगर अकल नहीं आई तो फिर रब भी उहदा मालिक है। साडा फर्ज बनता कि आपां दीप बाई दे लई लखे बाई दे लई इन्हां दी सपोर्ट दे विच
खड़े होइए। जिन्निया ज़्यादा तुसीं पोस्टां पा सकते हो, जिन्ना ज़्यादा तुसीं शेयरिंग कर सकते हो इन्हां दी चीज़ां, वो करो। पब्लिक दी आवाज़ जिहड़ी हुंदी है वो प्रैशर हुंदा सरकार दे उत्ते। ये पंजाब दे योधे है, इन्हां दा कोई इन्हां दे उत्ते बेवकूफाना, मतलब मैं हज़ार बारी बोल चुकिया कि इन्हां दे बारे खोते लोग आ बोलते कि आ पॉलिटिकल अपना बैग अपना बना रहे ने, करियर बना रहे है। अरे बहुतियां तो वधिया ने, हालांकि ये लोग नहीं बनाना चाहते। दीप भाई तो मैं जानता वो तो नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं चाहना कि यहोजे लोग आन, इन्हां गधियां तो जिहड़े राज कर रहे ने, इन्हां तो 100 गुणा वधिया ने, जिहड़े पढ़ लिख के जिहड़े 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 गल कर सकते हैं, जिहड़े पंजाब का दर्द समझते, जो जो इंडिया का दर्द समझते हैं, जो आम बंदे की गल कर सकते हैं, जो धर्मां दे पंगियां तो उपर उठे हुए है। एक होर गल मैनू याद आई, गल करते करते दीप भाई दे नाल उन्हें एक गल मैनू बोली, कहिंदा यार कि जदों ये लोग मैनू सौण नहीं दिंदे सीगे, हालांकि कहिंदे बाबे दी इन्नी कृपा सी कि किसी ने ओए करके भी नहीं बोलिया, पूरी रिस्पैक्ट ना बोले, क्योंकि उहदा बैकग्राउंड इन्ना पढ़िया लिखिया बंदा, तां एजेंसियां वाले भी मानदे सीगे कि एडा पढ़िया लिखिया कि उहनां कोल इन्ना पढ़िया लिखिया बंदा नहीं हैगा, उहनां दे विच वी इन्ना पढ़िया लिखिया बंदा नहीं है। कहिंदे मैनूं किसी ने भी ओए करके भी नहीं बोलिया। हाँ शुरू च मैनूं टॉर्चर बहुत कीता, सो नहीं दिंदे सीगे तो दो तीन तीन दिन, क्योंकि नींद तो बंदा जिहड़ा मैंटली जिहड़ा वो बहुत डिस्टर्ब हुंदा, तो उस समय वो कहिंदा यार लिखवा लो मेरे को जो लिखवाना तुसीं, पर ये बंदा उस समय भी इन्हें कोई किसी का नाम कुछ नहीं इन्हें बोलिया। जिहड़े उन्होंने जिदा हरप्रीत भाई हैगे, ये भी डेटा भुगत रहे ने, ये भी इंक्वायरी दे विच इन्हां नूं बार बार बुलाया जांदा, कई कई घंटे कई एक किस्म का तसीए ये झेल रहे ने, इन्हां दी गड्डी भी उत्थे बंद है एंडेवर जिहड़ी उस दिन दीप भाई जिस बह के गए ते, लेकिन दीप भाई ने किसी का भी नाम नहीं बोलिया कि उन्हें कहा कि मैं कल्ला सीगा। कहिंदे मेरे नाल ये ज़्यादा सीगा कि इन्हां नूं भिंडरां वाले उत्ते एक गल करदे सी कि तू भिंडरां वाले दी गल करदा, कहिंदा हाँ करदा। कहिंदे मैं डिटेल च कई दिन ला के एजेंसियां नूं, ध्यान नाल सुनियो, कहिंदा मैं कई दिन ला के एजेंसियां नूं ये कन्विंस कीता कि भिंडरां वाला गलत नहीं सी, उस नूं विक्टमाइज किया गया, उस नूं बदनाम किया गया, मीडिया किदां यूज होया। अज जिद्दां ये सरकार करती उस समय इंदिरा सरकार इदां करती सी, उन्हें कदी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलिया। कोई एक स्टेटमेंट नहीं हैगी जिस दे विच संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले जी ने एक भी स्टेटमेंट दिती होए किसी होर धर्म के खिलाफ, उन्होंने हक विच बोलिया होए इहो जिहियां बड़ियां ने। तुहाडे कोलों भी किसी कोल ऐसी कोई स्टेटमेंट होवे मैनूं जरूर भेजो, क्योंकि मैं कई बार शर्तां ला चुकिया, किसी कोल नहीं हैगी। उन्होंने भी जिदा बदनाम किया गया, कहिंदे मैं दीप भाई कहिंदा मैं एजेंसियां दे नूं लै लै के बह के उन्होंने पूरा कन्विंस करवाया, फिर वो मन्ने कि हाँ यार तू सही बोलना, वो बंदा तो गलत नहीं सीगा, तो वो तो इदा ही सरकारां दे हत्थे चढ़ के बदनाम किया गया। हुण मैं फाइनल जिहड़ी शायद हुण तक फाइनल साडा होया नहीं है कि असीं 2 अप्रैल नूं दीप सिद्धू भाई का जन्मदिन हैगा, ये आने वाली 2 तरीक नूं, ते उस दिन शायद जिथों गल शुरू हुई सी शंभू मोर्चे तो, शंभू मोर्चे ते ही एक वड्डा धरना लाने की प्लान कर रहे हैं। हाले फाइनल नहीं होया, जो फाइनल होएगा तो हरप्रीत भाई दे उत्थों पेज तो या शंभू मोर्चा पेज तो अनाउंस किया जाएगा। तो उस दे नाल नाल मैं अज सवेरे ही हरप्रीत भाई दे नाल गल कर रहा सीगा कि असी पूरे पंजाब विच या पूरे हिंदुस्तान विच बल्कि पूरे वर्ल्ड विच 2 तरीक नूं या 2 तरीक तो अगे पिछे वर्ल्ड जिहड़ा ब्लड डोनेशन हैगा वह कैंप लगाए जाए, दीप सिद्धू बाई का जिहड़ा जन्मदिन वो इदां मनाया जाए।
ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਵੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਹਲੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਵੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਈ ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਸ਼ੰਭੂ ਪੇਜ ਤੋਂ, ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੈੱਡ ਕਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਸਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਨਬੋਕਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਕਰੇਗੀ ਉਦੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ। ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਡਰੀਮ ਕਰਦਾ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, 5 ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ, ਔਰ 2-2.5-2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਬੰਬੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਦਾ ਵਕੀਲ, ਆਲਟ ਬਾਲਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਵਕੀਲ, ਸੋਨੀ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਰੌਸ਼ਨ ਦਾ, ਰਿਤਿਕ ਰੌਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸਦੇ ਫਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ, ਦਿਓਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵਕੀਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਲਦਾਰ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਨਾ, ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੇਮ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਦਣ ਬਾਈ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ। ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ 2 ਤਰੀਕ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਉਸਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ 1-2 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਦਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।